तेज हो गया धीरे। মেচিন দিয়া মোক খবৰ নাইকিয়া হ'ল, খবৰ এটা ক'বলৈ হেৰি ক'ব নাই তাৰ যত ভাঙি দিয়ে আগতে মই হেৰি কৰি দিওঁ। এইটো একদম উকনি পিলপিলকে ওলাইছে নহয়, মই যাম মই দিয়া। তই যদি ফণি নাইও নহয় তই কাপোৰ এখন লৈ ল'বি, কাপোৰ এখন লৈ পেলাই যে মোৰটো মোহাৰি দিয় নহয়, তই উকনি লাগি গুচি আহিবি, বুজি পালি? ঘনখনি ঘনি তই হেৰি কৰি ল'বি, ঘনখনিখন দি পেলাই ধুনীয়াকৈ মোৰটো আঁচুৰি দিলি তিতা মতে। মা ইজনী ঐ, তই মানুহ হৈ আছনে জীয়াই? জেতুকা তেতুকা সানিলেও অলপমান কমিব নেকি তিতা যে। জেতুকা সানিলে মায়ে আতলৰ চব পাত পিচি পেলাই পাতো সানিছোঁ, লৈ পেলাই ঘূৰি হেৰি কৰি থৈ দিওঁ অকণমান দেৰি লগাই, তাৰপিছত ধুই দিব লাগিছে। কোন দিবগৈ লাষ্টত আহিবলৈ আহিছো তই। কণীয়েতো চুলি জট কৰিলে তো গম নাপালে ন, লাগি আছে সেইডাল লগত সেইডাল কেনেকে আছো তাল দেখিলে ঐ তাৰ চেনেদিকা নিবিদে তই শুনিছ নাই? ইমানে নাথাকে নহয় মানুহৰ দেখা নাই, মানুহৰ মানে যেনেকুৱা মানুহৰ লগ হ'ব সেনেকুৱা মানুহৰ গুটিয়ে ল'ব মানুহৰ। কিহেৰে পালে বাৰু তই কচোন, তুই ইমান উকনি হ'ল তো যে এনেকৈ কেনেকৈ আছো বাৰু ছোৱালী? আছে আৰু তেনেকৈ চোৱা না জলিকা, এই ডাঙৰখনে অকণমান ভাঙি লওক যাতে हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, इट्स मी प्लाविता। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सब लोग मेरी आज हालत देख ही रहे होंगे। मैंने आज हेयर कटिंग करते हुए मुझे कितनी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि आज जो मेरी क्लाइंट है एक्चुअली वो मेरी ना एक्स हाउस हेल्पर है। उसके बालों पे बहुत सारे जुएँ हो रखे थे और जुएँ के वजह से उसके बालों में ना बहुत सारे टेंगल्स हो रखे थे, तो ना इतनी प्रॉब्लम हो रही थी उसकी हेयर कटिंग करने में। एक्चुअली मैंने आज सोचा था कि मैं उसके हेयर पर आप लोगों को डायमंड हेयर कटिंग दिखाऊंगी, क्योंकि जब मेरी क्लाइंट होते हैं ना वो लोग इतने जल्दबाजी में होते हैं कि क्या बोलूं, मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ भी तो दिखा नहीं पाती हूँ, तो मैंने सोचा था आज आप लोगों को दिखाऊंगी मैं डायमंड कटिंग अच्छी तरह से। और जब वो मेरे पास आई हेयर कट करने के लिए, एक्चुअली वो खुद आई थी, क्योंकि उसके ना अब वो मेरे पास काम नहीं करती है, क्योंकि मैंने अपने घर शिफ्ट किया था हमने, तो उसने खुद आके मुझे बोला था कि उसकी हेयर कट करनी है क्योंकि उसके बालों में ना बहुत सारे जुएं हो गए हैं। तो मैंने सोचा कि इसी बहाने मैं एक अच्छा हेयर कटिंग भी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। लेकिन उसकी बालों में जो हालत थी ना, इतने सारे टेंगल्स हो गए थे, इतने सारे जुएं थे, और इस चीज़ से मुझे बहुत ही ज़्यादा एलर्जी है। और आप लोग देख ही रहे थे वीडियो में, मेरी जो स्टूडेंट है, जो हेल्पर्स है, वो आके बोल रही थी मैम के दीजिए हम आपको ना टेंगल्स निकाल के देते हैं, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही थी। और मैं किसी को हंसना नहीं चाहती हूँ, लेकिन इस चीज़ से मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो वो लोग आके मुझे टेंगल्स निकाल के दे रही थी और मैंने बस उसके बालों की ना थोड़ा सा सेक्शन बना के
एक एक सेक्शन करके उसके हेयर में कटिंग दे रही हूँ, क्योंकि एक सेक्शन एक एक बना लूँगी तो क्या होगा कि उसके जो टेंगल्स है वो निकालने में भी आसानी होगी, और मैं चाहती थी कि उसके बालों में एक अच्छी हेयर कट भी दूँ, क्योंकि वो मेरे पास इतने शौक से आई थी। उसके बालों में एक हेयर कट अच्छी भी हेयर कट लगे और साथ में ही बालों का थोड़ा उसका बाल थोड़ा सा कम हो जाए तो क्या होगा कि उसका ना जो जुए का प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाएगी। तो ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी आज, ये तो बहुत ही जुए का जो प्रॉब्लम है, हम सोचते हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं ये कोई इससे प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन ये बहुत ही एक बड़ा आप लोगों के लिए ख़तरा बन सकता है। मैं एक स्टोरी सुनाना चाहूँगी आप लोगों को। मेरी एक पहचान में ही लड़की थी ना, उसकी हेयर्स पे बहुत सारे जुए थे, तो उसको स्मॉल पॉक्स हो गया था, और दोनों मिलके क्या हुआ था, उसके बालों में ना मक्खी ने लार्वा, मक्खी का लार्वा बन गया था उसके उस इंजी जो स्मॉल पॉक्स के वजह से जो उसके हेयर्स पे जो इंजरी बन गई थी ना, वहाँ पे मक्खी ने लार्वा ऐसे मक्खी का लार्वा बन गया था। आप लोग समझ रहे हैं ना, मुझे थोड़ा सा हिंदी में समझाने में प्रॉब्लम होती है। तो क्या हो गया था, उसके ना हेड पे बहुत बड़ा बड़ा गड्ढा बन गया था, तो डॉक्टर ने बोला था कि लड़की बच नहीं पाएगी अगर उसका वो जो मक्खी का लार्वा है अगर वो ब्रेन तक पहुंच गया तो। लेकिन उसका किस्मत अच्छा था कि वो बच गई, क्योंकि वो लार्वा इतना बड़ा होल नहीं कर पाई कि ब्रेन तक पहुंच पाए। तो देखिए कितनी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैं वही उसको समझा रही थी और उसकी हेयर कट करते करते मैं उसको ये सब बातें समझा रही थी और उसको बोल रही थी कि किस तरह से वो अपने बालों का ना हेयर जुए से उसके बालों को सेव कर सकता है सकती है। और उसने बोला था कि वो कर रही है बहुत सारे, लेकिन उसको जो प्रोसीजर है ना, जिस तरह से करने से जुए निकल जाएगी, उसे वो अच्छी तरह से नहीं वो फॉलो कर पाई थी। तो मैं समझा रही थी उसको और साथ में ही उसकी हेयर कटिंग कर रही थी। एक्चुअली उसके साथ मेरी एक अच्छी बॉन्डिंग थी, क्योंकि वो बहुत टाइम मेरे पास काम करती थी और बहुत ही अच्छी लड़की है वो। आज मुझे बहुत बुरा भी लग रहा था उसकी ये हालत देख के, वो बोल रही थी कि उसको काम के वजह से टाइम भी नहीं मिलता था ये सब जुए निकालने में। तो मैं उसको समझा रही थी कि किस तरह से वो आसानी से अपने बालों से ये हटा सकती है और उसकी हेयरकट कर रही थी। और देखिएगा आप लोग एंड में उसकी हेयर का मैंने बहुत ही एक अच्छा लुक दिया था, बहुत ही अच्छी लग रही थी वो।
और ये देखिए मैंने ना उसकी हेयर कटिंग कंप्लीट कर दी है। और जब मैंने उसकी हेयर कट करके कंप्लीट कर ली और उसकी पूरे बालों के ना जो धुएँ की वजह से टेंगल्स हो रखे थे वो निकल गए, तो उसकी हालत देखिए वो कैसे बैठ बैठ के ना अपने सिर पर सिर पे खुजा रही थी, बोल रही थी, उसको बहुत ही ज़्यादा खुजली हो रही थी हेड पर। और मैंने थोड़ा सा ड्रायर भी जब ब्लो ड्राई कर दिया तब भी क्या हो रहा था, जुए की वजह से उसकी हेड पे बहुत ही खुजली हो रही थी। और ये देखिए एंड पर लेकिन उसका हेयर का बहुत ही एक अच्छा हेयर कट लुक आया था। देखिए आप लोगों को अगर अच्छा लगे मेरा ये वीडियो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ में लाइक कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। और मैंने उसको भी बहुत समझा के भेजा है कि क्या करना होगा अगर उसके बालों में जुए है तो, और वो उसने बोला है कि वो इस रूटीन को फॉलो करेगी और मैं आप लोग को ज़रूर उसकी अपडेट दूंगी जब वो नेक्स्ट टाइम आएगी। तो आशा करती हूँ मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।